क्या बोल रहा है पता है? टन के 25 नहीं 50 लाख चाहिए। 50 ये तेरे को। और अगर मैं नहीं देता तो सीधे चेन्नई जाके मुर्गन से डील करेगा। मारो इसको, मारो, मारो। जो मार रहा है नीचे मार। अरे वही तो मार रहा था। घुटना फोड़ने के लिए बोल रहा हूँ। कौन सा ये वाला? हाँ। ठीक है, मुंह पे मार। अभी गंदी जबान खुलनी नहीं चाहिए इसकी। ये ले, देखा देखा कैसे डर रहा। देखा ना, देखा, ये डर पहले भी दिखता था ना। लगता है तेरे अंदर बहुत चर्बी जम गई है। मेरे को बोल रहा है रेट बढ़ा के दो है। क्या बोल रहा है पता है? टन के 25 नहीं 50 लाख चाहिए। 50 ये तेरे को। और अगर मैं नहीं देता तो सीधे चेन्नई जाके मुर्गन से डील करेगा। हेलो एमएलए साहब। पुष्पा बैठ उधर। कैसे याद किया मेरे को? ए शिनो, तूने नागेश को पकड़ के रखा है क्या? उसका भाई मेरे पास आके उसकी जिंदगी की भीख मांग रहा है। इस बार छोड़ दे उसको, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे मैंने तो अभी टपका दिया उसको। आप 5 मिनट से लेट हो गए, नहीं तो बच जाता। मेरे आदमी ने अभी अभी उसे हलाल किया। हाथ ही धो रहा था इतने में आपका फोन आ गया। सवेरे आपके पीए से बात हो गई थी मेरी, उसने तो छोड़ने की कोई बात नहीं की। अगर नहीं मारना था तो पहले बता दिया होता। अभी उसको वापस जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन इसे हमारे बीच लफड़ा नहीं होना चाहिए। वैसे पैसे भेज दिए थे मैंने। हाँ हाँ, अब क्या करे इस बेचारे का। ए नागेश, मैंने तो एमएलए को बोल दिया कि इसको मार डाला, अब अपनी जबान से पलट तो नहीं सकता ना। ए काट दे चल। क्या देख रहा है? पूछा लगा। बोल पुष्पा, कैसे आना हुआ? रेड्डी कैसा है? आओ ठीक है। मंगल भाई कलर रेडी हो गया। कौन सा है? काला? काला ही है। अरे पिछली बार काला बोल के तूने चॉकलेट ही लगा दिया था, याद है? इज्जत तो गई मेरी, ऊपर से लोग मुझ पे हंस रहे थे। अबकी बार जो काला बनाया हूँ ना, ये बाल से भी ज्यादा काला है, भरोसा करो। देख मुझे तो तुझ पे भरोसा नहीं है, समझा? पहले तो इसके बाल पे लगा, लगा के दिखाना। देखा पुष्पा कैसे मरा है? तड़प तड़प के मरा है। एक टन का 50 लाख मांग रहा था मुझसे। तुम्हारा काम तो अच्छा है, बस 2 चेक पोस्ट पार करवाने हैं, फिर माल मेरे पास। मुझे वही माल चेन्नई पहुंचाना पड़ता है। रास्ते में 15 चेक पोस्ट पड़ते हैं, पार करना कितना मुश्किल है मालूम? सही बोले भाई, बहुत मुश्किल है। अपने को भी 15 चेक पोस्ट पार कराने में बहुत मुश्किल हुई थी। वो अपना ऐसा है मणिकरण है ना, 1 लाख रुपया मांगता है एड़ा, बहुत महंगा है। लेकिन फिर भी अपन की मंडली ने सर पे कफन बांध के चेन्नई तक माल पहुंचा ही दिया। तूने माल चेन्नई पहुंचा भी दिया, लेकिन किसने बोला ये करने को? वो क्या तुम 25 लाख देते हो पूरा नहीं पड़ता? 1 टन का 1 खोखा दे तो माल तुमको बेचता हूँ। पुष्पा लेकिन भाई, अगर नहीं दिया तो? ये नागेश किसको माल बेचने वाला था? चेन्नई मुर्गन को। हाँ तो उसी को माल बेचेगा मैं, अगर तुम लोग नहीं मानते। ए औकात में रह के बात कर, इसने 50 मांगा इसका ये हाल हुआ, तू 1 खोखा मांग रहा है, सोच ले तेरा क्या होगा। अरे हाँ समझ रहा हूँ रे, मैं भी इधर 25 का 50 करवाने को ही आया था, इधर कितना रिस्क है देख के भाव बढ़ गया, इसके लिए 1 खोखा मांगा, एकदम जायज है ना? हाँ तो ऐसा है कि 1 टन का 1 खोखा देने का, नहीं तो मैं माल चेन्नई में मुर्गन को बेचेगा। ये आपस में डिस्कस करके मेरे को फोन कर देने का, ठीक है ना? चल चलता है मैं। अरे ये क्या? अरे बाप रे बाप, अरे ओ ये तो 100% काला है, टेंशन नहीं लेने का, लगा दो बालों में। क्या चीज है, इसे भी काट के फेंक देते हैं। अब अकल आई? वो जब इधर था तब तेरी फड़ गई थी क्या? अरे मुर्दा देखकर उसकी अकड़ कम नहीं हुई, मैं हिल गया था अंदर से। जितने वर्ल्ड का तेरे को शौक लगा ना, उससे ज्यादा वर्ल्ड का मेरे को लगा है। उसे छोड़ के गलती कर दिया, काट देने का था उसे, क्यों क्या बोलता है? सही कहा भाई।
एक फोन कर लूं क्या? क्या मुरुगन भाई, वणक्कम बोलता है। हाँ, मैं सिंडिकेट मेंबर पुष्पा बोल रहा है। हाँ, क्या है, ये टाइम अपने को सीनू भाई को माल नहीं बेचने का है ना? डायरेक्ट माल खरीदेगा क्या? ठीक है ना? अच्छा, अभी माल तो चेन्नई पहुंच गया अपना। हाँ ठीक है, अभी माइकल चेन्नई आके बैठेगा तुम्हारे साथ, रेट डिस्कस करेगा। हाँ चलेगा ना? मेरा पेजर का नंबर लिख लो भाई, 8384। जीजा मेरे को जाने दिया इसलिए मैं नहीं गया, मैं गया क्योंकि मेरा दिल जाने को किया, समझा? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है।